तो हेलो गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट में वन ब्लॉक सर्वाइविंग 100 डेज चैलेंज। और इसमें मैं अपने दो दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, आप लोग पीछे देख ही सकते हैं उन लोग को। और इन लोग के साथ मेरे को इसे 100 डेज में कंप्लीट करना है। तो क्या मैं ये कंप्लीट कर पाऊँगा, इसलिए आप लोग देखते रहें इसे और एंड तक मेरे साथ बने रहें प्लीज़। सो पहले हम लोग अपने दोस्तों को यहाँ से गिरा के इस ब्लॉक को तोड़ेंगे। बाय बाय, अभी जाना चला गया। तो अब हम लोग इस ब्लॉक को तोड़ेंगे। अबे यार, हम क्यों गिर गए? एक ये क्या हुआ? लैग, कुछ ग्लिच हो गया था। गाइस, हम लोग वापस ऊपर आ चुके हैं, हम लोग को ब्लॉक मिल चुका है, अपने दोस्त को गिरा चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ब्लॉक लगाएंगे, हमारा दोस्त आएगा, उससे कहेंगे चल इधर, चल चल इधर, चल अबे चल ना। हाँ ठीक है, ये हम लोग का इधर आ चुका है दोस्त। अब हम लोग यहाँ से ब्लॉक तोड़ तोड़ के इस एरिया का एक्सपेंड करेंगे। अबे यार, ये ब्लॉक तो उसके पास आए जा रहे हैं। एक और ब्लॉक तोड़ मेरे, फिर इसके पास चला गया। पे यार, इसमें मारने मन कर रहा है लेकिन नहीं मारूंगा अब। फिर इसके पास चला गया साले, बस यही तू ही रख ले सारे ब्लॉक। अबे भाई, वर्ल्ड एक्सपेंड कर दे यार, एक्सपेंड कर दे यार बेस हम लोग का। हम लोग जल्दी जल्दी एक्सपेंड करना यार, जल्दी से। अच्छा, मेरा नेट चल रहा है, सॉरी दोस्तों, मेरा नेट ख़राब चल रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अबे लगाना जल्दी, अबे लगा दे भाई। अब मेरा नेट ख़राब चल रहा है, माई बैड माई बैड। चलो जल्दी जल्दी तोड़ो, जल्दी जल्दी मजदूर काम कर। हट, हमें काम करने दे, तू नहीं कर पाएगा। हट हट, तू वर्ल्ड एक्सपेंड कर। तो गाइस, हम लोग का दूसरा गेम लेफ्ट हो चुका था, जो कि अभी ज्वाइन हो चुका है। तो आप लोग देख ही सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा प्रो इंसान है। बाय बाय। अबे ये हवा में उड़ रहा है भाई। अबे यार, मेरे को भी नीचे गिरा दिया। अबे कैसे लोग हुए तुम? अबे भाई, अब मत गिरा देना यार, हम लोग को जल्दी जल्दी 100 डेज में कंप्लीट करना। हाथ तोड़ो मजदूर, लगाओ हाथ, लगाओ मजदूर। अबे यार, मेरा नेट नहीं चल रहा है यार, जल्दी जल्दी तोड़ मजदूर। अपना एक और मजदूर रिस्पॉन होके आ चुका है, जिसको पता नहीं किसने दोबारा से गिरा दिया है, लेकिन हमें नहीं मालूम है ये बात किसने गिराया है। लेकिन हाँ, मजदूरों काम करो। अबे यार, ये ब्लॉक क्यों नहीं आ रहा यार, क्या ग्लिच है इसमें? अबे ब्लॉक नीचे गिरा ना अभी, मैंने देखा तुमने एक ब्लॉक नीचे गिराया अभी, कह छोड़ो। अबे यार, जल्दी लगा ना, अबे लगा दे। पता नहीं इसको भी किसी ने गिरा दिया है, है छोड़ो। मॉन्टाज देखे अब आप लोग। अब मैं सुनो, वो क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट वेस्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? अबे यार, थोड़ा किनारे हटो, बनाने दो हमें। अबे भाई, मेरे पास लॉक कम है भाई, लॉक दे दो। हेलो भाई, लॉक दे दे यार, अभी बाद में एक्सपेंड कर देना यार, पहले लॉक दे दो। अबे दे ना, दे जल्दी, अबे दो। हाँ, लॉक मिल गया। चलो अब क्राफ्टिंग टेबल वेबल बना लेते, तब तक आप लोग देखें मॉन्टाज हमारा। मैंने यहाँ किनारे पे चेस्ट वेस्ट लगा दी, उसमें अपना जरूरी सामान रख दो। अबे यार, मेरे को तोड़ लेने दो यार, बहुत देर से तोड़ लो। अबे यार, तोड़ लेने दे भाई, हटिया भाई, हटिया यार, अबे हट जा। अब बारी है मॉन्टाज की। तो इसी के साथ हम लोग का एक स्टेप कंप्लीट हो चुका था, और यहाँ पे एक आ चुका था वन ब्लॉक ट्रेडिंग वाला विलेज है। और जब हम लोगों ने इसकी ट्रेड चेक करी, तो हम लोग की आँखें फट गई, सच में फट गई। इतना सब कुछ दे रहा था और इतने सस्ते में, खाने का भी आयरन का भी सब बढ़िया मज़े में था, लेकिन हम लोग थे गरीब, अभी लेंगे। चलो अब इसे फेंस में बंद कर दिया जाए। और जब मैं इसे फेंस में बंद करने जाता, तो मैंने देखा कि हम लोग ओक के लॉक से स्प्रूस ब्रिज कोई सा भी प्लैंक बना सकते थे। इस वजह से मैंने इसका फ़ायदा उठाने के बाद में सोचा, अभी नहीं इसका कुछ करेंगे, लेकिन हाँ, ये फीचर बहुत ही काम आने वाला था हम लोग का फ्यूचर में। तो अब आप लोग देखें मॉन्टाज। हम लोग को एक सैपलिंग भी मिल चुकी थी, उतने में आ चुका था एक विलेजर। आप लोग ऊपर देख सकते हैं, वुडलैंड्स का जो अचीवमेंट मिली वो सैपलिंग ही की वजह से मिली है। और एक यहाँ पे विलेजर भी आ चुका है। इस विलेजर को अब हम लोग धक्के मार मार के अंदर लेके जाएंगे। अब हम लोग इसे धक्का दे दे के लेके जाएंगे इसके अंदर। शुरुआत में तो हमें ये बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन हमने कहा अबे यार, मेरे दोस्त लोग खाली बैठे, उन लोग को थोड़ा काम दे दे।
तक हम लोग ये सब कर रहे थे, उतनी देर में हमारे दोस्त को भी एक सैपलिंग मिल चुकी थी। अब इस सर्वर में सिर्फ हम ही एक निठल्ले रह गए थे जिसके पास सैपलिंग नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब हम लोग क्या करें, सैपलिंग नहीं है, सैपलिंग दे दो यार कोई इस गरीब को। हम लोग ने थोड़ी देर दूसरों की सैपलिंग ताड़ी और फिर उसके बाद हम लोग अपना बेस को एक्सटेंड करने में लग गए। अब आप लोग देखें मॉन्टाज, हम यहाँ पे बॉर्डर एक्सटेंड ही कर रहे थे, उतनी देर में एक और विलेजर आ चुका था। अब हम इसकी ट्रेड देख रहे हैं, भाई ऊपर क्राफ्टिंग टेबल किसने लगाई है यार, इसकी ट्रेड देख ली जाए, अबे दिख जा अबे भाई क्या ही दे रहा है अबे गोल्ड, अबे कौन लेता है अबे आजकल के ज़माने में गोल्ड, गोल्ड की कदर है कुछ? रॉ आयरन हाँ वो काम आएगा, थोड़ा सीड्स काम आने वाले बहुत ज़्यादा, स्पंज नहीं काम आएगा, बोन बहुत काम आएगा भाई, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ चाहिए अपन को, स्पंज नहीं लेंगे। अबे ये एग तो छोड़ो, इसे देखो ही नहीं, 7 डायमंड में कौन एग खरीदेगा, पता नहीं कुछ काम का भी है। मॉन्टाज, एक सेकंड तुम्हारे पास डर्ट होगी ना, मेरे को डर्ट ला के दो ना। हाँ अब मैं इसे ट्रेड कर लेता हूँ, हम आयरन पहले ले लेते हैं, और ये भाई आयरन आ गए, और भाई मज़ा, एक सेकंड भाई हम लोग के पास फर्नेस तो है नहीं हम लोग के पास, अब क्या करें भाई, फर्नेस दोगे क्या? वे यार कोई फर्नेस क्यों नहीं दे रहा अभी भाई, कबल स्टोन ही नहीं, हम लोग फर्नेस कहाँ से बनाएंगे। मॉन्टाज, अबे भाई क्या भाई ये कौन सा ग्लिच है यार, अबे भाई वो स्लैब, अबे भाई स्लैब के ऊपर मेरे को गुस्सा आ रही भाई, थोड़ा बहुत सामान था यार मेरे पास, ज़्यादा नहीं था माना, अच्छा वो आयरन मैंने चेस्ट में रख दिए थे। अबे यार यही गड्ढा है मेरी मौत की वजह, गड्ढे को मैं छोड़ूंगा नहीं यार। अबे भाई थोड़ा बहुत सामान गया, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि ये हार्ड कोड नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये पहली वीडियो इसलिए हार्ड कोड डालेंगे नहीं। मॉन्टाज, तो अब हम लोग को मिल चुका था एक कबल स्टोन, मतलब स्टोन मिला था, और इन लोग के पता नहीं क्यों रंग उड़ चुके थे, लेकिन हाँ हम लोग को अब स्टोन मिल चुका था, इसका मतलब हम लोग आयरन को पका सकते हैं, चलो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। लेकिन स्टोन की वो वुडन की पिकैक्स बना लो बढ़िया हम लोग के मज़े, अब आयरन को हम लोग पका लेंगे, फिर बोन मिल बना के इसे उगा लेंगे, लकड़ी की कमी नहीं होगी। अच्छा वो इन लोगों ने तोड़ भी लिया, अच्छा मेरा मोबाइल फंस गया था, मॉन्टाज नेट की प्रॉब्लम से हम लोग का सर्वर हट चुका था, लेकिन कोई बात नहीं दोबारा जुड़ेंगे, हम लोग बेशरम आदमी है ना, क्योंकि तो इन लोग की लोग अभी भी खोदाम खादी चल रही है, इन लोग आराम से मज़े कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा एरिया, एक सेकंड भाई विलेजर कहाँ गया, अबे भाई अंदर, अबे भाई अभी हम लोगों ने उस वक्त विलेजर अंदर बंद करा था, अबे भाई विलेजर किसने मारा है यार विलेजर, अबे भाई इन लोग को मालूम ही नहीं विलेजर कहाँ गया, वो अपनी खो देने में लगे हुए, अबे भाई यार अब क्या करें भाई, वो काम का आता भाई, बहुत काम आता है, थोड़ा बहुत तो काम आ ही जाता, मतलब क्या थोड़ा मॉन्टाज देखो, चलो अब मैं यहाँ से बोन खरीद लेता हूँ भाई, फाइनली अब बोन आ चुका, बोन मिल बना ले। अभी मैं सर वो कहते हैं पेड़ उगाने जा रहा हूँ, ठीक है अभी हटना सामने से, हट रहे हल्कट, एक दो, अब दो ही में हो गया, अबे ये मैं अच्छा इसके नीचे दब गया, अभी भाई चेस्ट वेस्ट कितनी बड़ी लग रही, चलो मैं एक एक्स बना लेता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी एक्स बना ले इससे पहले, अबे ये लोग पेड़ पूरा खा डाएंगे, अबे आ जल्दी, अबे ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये छोड़ो जल्दी जल्दी बना लो मॉन्टाज। अबे मैंने यहाँ पे फेंस बना दी, इसमें विलेजर भर दो यार, चलो हम ही भरे दे रहे हैं, जल्दी अंदर जाना, अबे जाना यार अंदर जाना भाई, बहुत देर से खेल हम लोग अभी, इसलिए अभी हम लोग इस विलेजर को अंदर डाल के बस चले जाएंगे, बंदो हट, विलेजर को अंदर डालने के बाद हम लोगों ने करा थोड़ा बहुत टाइम पास, क्योंकि मेरा एक दोस्त चला ही चुका था इसलिए हम भी लीव हो गए। तो ये था मेरा डे टू ऑफ रिकॉर्डिंग, तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत ऐसी टाइम पास किया, उसके बाद मैंने थोड़ी देर तक खुदाई वुदाई करी, आस पास इसके प्लैंक लगा दिए ताकि मेरे को मालूम रहे कि कौन सा है, पिकैक्स विकैक्स बना के मैंने इसमें काफ़ी देर तक माइनिंग करा। अब आप लोग इसमें माइनिंग करते हुए देखिए, मैं माइनिंग कर ही रहा था उतने में मेरा दोस्त भी इस सर्वर में ज्वाइन हो चुका था,
तो मैंने कहा थोड़ा काम उसे दे देते हैं, बाकी अपना तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग को इसे 100 डेज़ में हर हाल में कंप्लीट करना ही है। वो आ चुका था लेकिन मैं फिर भी थोड़ी बहुत काटा पीटी कर रहा था। अब आप लोग देखें थोड़ी देर का मोंटाज। हम लोग ये सब कर ही रहे थे, उतनी देर में मेरे दोस्त ने उसमें से एक अंडा ख़रीद लिया जो कि 1 ब्लॉक ट्रेडर था दे रहा। अभी यार जल्दी ख़रीदना, मेरे को भी देखना है। इसने ख़रीद लिया, देखे अच्छा तो एक इंसान ही कोई देता है। अब ये अंडा फोड़ने वाला है, फोड़ 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 फोड़ो फोड़ो एक, अबे भाई निकला ही नहीं। अब आप लोग देखे थोड़ी देर का मोंटाज। मैं ये सब कर ही रहा था, फिर मेरे को आइडिया आता है क्यों ना अब हम लोग अपना घर बनाने की शुरुआत करें। तो आप लोग घर बनाने का मोंटाज देखिए, बहुत टाइम लगा, मैंने छोटा सा घर बनाया क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग के पास रिसोर्सेज कम थी, लेकिन हाँ तगड़ा बनाया। ये देखिए मेरा घर, अबे हट जाया सामने से भाई। यार इस घर को बनाने में, छोटा सा घर है, इस घर को बनाने में भाई बहुत टाइम लग गया भाई। हम लोगों ने इसे 60 स्पीड में दिखाया, तब जाके भाई 29 सेकेंड्स लग गए 60 स्पीड पे। भाई साहब टाइम लगा इस घर को बनाने में, लेकिन हाँ प्यारा सा घर बना। अगर आप लोग को ये घर पसंद आया तो ज़रूर जाके कमेंट पे इसको रेटिंग दे दीजिएगा। 10 में से आप कितनी रेटिंग देंगे, मैं आप सबका कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ मेरे को पसंद आया तो मैं आपको हार्ट भी दूंगा, सो प्लीज़ कमेंट कर देना। इसके बाद हम लोगों ने अपने बेस को थोड़ा एक्सटेंड करा एकदम थोड़ा सा ही, उसके बाद हम लोगों ने खेलना बंद कर दिया है। अब हम लोग को 3रा दिन लगने वाला है इसको कंप्लीट करने में, और अभी शायद 3-4 ही दिन हुए माइनक्राफ्ट के अंदर का, 3-4 नहीं 5-6 हो गए मतलब, लेकिन हाँ इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, बहुत मेहनत लग रही है ऐसी वीडियो बनाने में। कोई बात नहीं, आपके लिए तो ये आधे घंटे की वीडियो है लेकिन हम लोग के लिए भाई बहुत मेहनत लग रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा गाइस। या इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी हम लोग को, ये सब रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग भी अलग से, और एडिटिंग भी मैं ही करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम लोग इसको यहीं पर ही एंड कर देते हैं। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और हाँ बेल आइकन दबाए रखें क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है।